Hey viewers, welcome to your favorite YouTube channel, the PAUDHEBAAZ. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ snake plant यानी कि sansivaria जो है उसके pups जो निकले होते हैं उसको कैसे multiply करेंगे और कैसे उसको repot करेंगे अच्छे तरीके से. तो आइए देखते हैं snake plant को कैसे multiply किया जाता है. ये एक सेंसिवेरिया का प्लांट है और इसके जैसा कि आप देख सकते हैं ये पप इसके निकले हुए हैं, एक और दो, दो पप्स इसके निकले हुए हैं व्यूअर्स. तो हम इन दोनों पप्स को निकाल करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये जो पप्स होते हैं इसकी जड़ें जो होती हैं, जो मदर प्लांट है इसकी जड़ों का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है जो कि एक्सटेंड होकर के जैसे ही मिट्टी से बाहर निकलता है तो ऊपर आकर के वो एक प्लांट की शक्ल ले लेता है. इस तरह से हम इसकी मिट्टी को हटा करके इसकी जड़ को एक्सपोज कर देंगे ताकि इसको हम इसके मदर प्लांट की जड़ से अलग कर सकें. अब ये बिल्कुल लूज़ हो गया है. तो किसी भी ब्लेड या नाइफ की सहायता से हम इसको काट के अलग कर लेंगे और कोशिश करेंगे जो इसकी जड़ें हैं, जो अलग से इसकी इंडिविजुअल जड़ें डेवलप हुई हैं उनको भी हम बिना डैमेज किए इसके साथ ही निकाल लें. एक हाथ से पकड़कर इसकी जो रूट में मेन मदर प्लांट की रूट से जुड़ी हुई है उसको काट के इसको हम अलग कर लेंगे. ये देखिए इसकी जो इंडिविजुअल जड़ें हैं ये भी डेवलप हो चुकी हैं और ये आराम से इसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं. इसकी जड़ें दिखने में शकरकंदी जैसी होती हैं और अभी ये एक बार काटा है उसके बाद ये फिर से डेवलप होकर के और नए पप्स आएंगे, उनको भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे और इसको अलग से एक पॉट में रिपोर्ट कर लेंगे. अभी जैसे ये बहुत छोटा प्लांट है और इसके रूट्स भी छोटी हैं तो इसके लिए एक छोटा पॉट काफ़ी रहेगा. 4 इंच का, 5 इंच का पॉट इसके लिए काफ़ी है और इसको कम पानी की ज़रूरत होती है. तो इसको हम एक बार तो पानी इसको पूरा दे देंगे और उसके बाद इसका इंटरवल जो है जब पूरी मिट्टी सूख जाएगी तभी इसमें हम दोबारा पानी देंगे. और जो ये पॉटिंग के लिए मिट्टी हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर हम पहले से जर्मिसाइड पाउडर मिला के रखते हैं ताकि नए पौधे को कोई इन्फेक्शन का खतरा ना हो. जर्मिसाइड पाउडर ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच के करीब मिला लें और जैसे 4-5 इंच के पॉट हैं तो 2 पॉट के अंदर आधा इंच चम्मच जर्मिसाइड पाउडर का मिला लें, उतना काफ़ी रहता है. इसी तरह से हम ये दूसरा पप भी निकाल लेंगे और इसी को उसी तरह से रिपॉट कर लेंगे. इसका प्रोसीजर सेम है. और जब कभी भी इसके नए पप्स आएंगे तो उसको भी हम इसी तरह से निकाल के अलग से. इस तरह से कुछ सालों में हमारे पास ये प्लांट बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे. और जहाँ से हमने इसको काटा है इसकी रूट्स को वहाँ से इसकी रूट्स एक्सपोज हो जाती हैं जहाँ से इन्फेक्शन का डर रहता है. तो इसमें हम थोड़ा सा जर्मिसाइड पाउडर मिला करके इसको छोड़ देंगे ताकि, क्योंकि नया पप जो है वो तो लग जाएगा लेकिन हमारा मेन प्लांट मदर प्लांट भी ख़राब नहीं होना चाहिए, उसकी भी साथ साथ हम केयर कर देंगे. ये मिट्टी में मिला करके हमने इसको ढक दिया है ताकि ये यहाँ से कोई इन्फेक्शन ग्रैब ना कर ले. और इसी के साथ ये जो प्लांट है इसको आका, आखा या आंकड़ा कई नाम से जाना जाता है और ये घर में लगाना शुभ माना जाता है. इसको
काफ़ी लोग नाम से मांग कर लेते हैं अपने घर में लगाने के लिए स्पेशली, क्योंकि ये घर में लगाना एक शुभ होता है। और इस प्लांट की कटिंग्स मैंने जो लगाई थी ये सारी ग्रो हो गई हैं, आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा रहा है। ये एक पहला प्लांट मैंने ऐसा देखा है जो कटिंग लगाने के 2-3 दिन के अंदर ही रीग्रोथ शुरू कर देता है, और बड़ी ही इजीली जितने भी कलम लगाई थी मैंने वो सारी ही ग्रो हो गई हैं। इस तरह से ही मेरे पास 10-12 प्लांट मल्टीप्लाई हो गए हैं। और ये घर में जो पुदीना हम लाते हैं उसके पत्ते निकालने के बाद जो टहनियाँ बचती हैं उसको भी आप एक पॉट में लगा सकते हैं, और ये बहुत जल्दी ग्रो करके आपको फिर से पुदीना तैयार कर देगी हार्वेस्ट के लिए, और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो टमाटर के बीज हमने कुछ दिन पहले लगाए थे उसकी वीडियो मैंने डाली थी, ये अब सीडलिंग्स निकल आए हैं और धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। और मेरे टेरेस गार्डन का करंट व्यू, जो कि कह सकते हैं कि करंट अपडेट है, अभी तक मेरे टेरेस गार्डन पे पहले दिन से लेकर के अब तक जो भी डेवलपमेंट हुई है वो सब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैंने बैठने के लिए, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम आ रहा है तो यहाँ थोड़ा सा छाँव में आराम करने के लिए मैंने एक शेड की कैनोपी बनाई है, मेरे पास रखी हुई थी पहले। और हर प्लांट को बड़े ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना पड़ता है, कहाँ धूप आ रही है, कहाँ छाँव आ रही है, कितने घंटे की धूप आती है, कितनी छाँव चाहिए, हर पौधे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अलग अलग जगह पर प्लेस करना पड़ता है और मौसम के हिसाब से उसको शिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ पर मैक्सिमम धूप आती है छत पे, तो यहाँ पर मैंने अभी कल ही शेड लगा करके इन प्लांट्स को रखा है ताकि इनको पूरे दिन धूप में ना जलना पड़े और ये आराम से ग्रो कर सकें। ये शेड मैंने इनके ऊपर लगा दी है ताकि पौधों को सारा दिन की धूप ना लगे। ज़्यादा धूप लगने से फ्रेंड्स प्लांट्स का रंग उड़ जाता है, बहुत हल्का हो जाता है और पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। अगर प्लांट्स की ग्रेस आप चाहते हैं अच्छी बनी रहे, हरे भरे बने रहें, तो उन कुछ प्लांट्स को सारा दिन धूप में नहीं रखना चाहिए। पहले दिन से लेकर के आज तक की वीडियो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डेवलपमेंट है मेरे टेरेस गार्डन में, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है, अभी 50% ही काम लगभग हुआ है। ये देखिए, ये बैठने के लिए कैनोपी शेड बनाया है। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।